दोस्तों स्वागत है आपका इंजीनियरिंग स्कूल चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का part 2 वीडियो। यदि आपने part 1 वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप part 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद part 2 वीडियो देखिएगा। तो ये हमारा part 2 वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में लेवल लाइन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका, द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फीयरोइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो सरफेस जो स्फीयरोइडल सरफेस के पैरेलल लाइन होती है उसी हम क्या कहते हैं, लेवल लाइन, है ना। और जो हॉरिजॉन्टल ऑफ ग्रेविटी है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पे जो कोई भी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पे कोई भी लाइन होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन पे जो राइट एंगल बनाएगी वो लाइन कहलाती है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप हिंट के लिए ये फिगर देख सकते हैं कि ये जो सरफेस बताई गई है, ये जो सरफेस है ये है अर्थ सरफेस। आपको पता है कि अर्थ जो है स्फीयरोइडल शेप में होती है ना। अर्थ सरफेस ये होगी अर्थ सरफेस, और ये जो सरफेस है ये है मीन सी लेवल, यानी कि मीन सी लेवल सरफेस और अर्थ सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, है ना। किसी भी लेवल सरफेस पे कोई भी लाइन रहेगी तो उसे हम बोलेंगे लेवल लाइन। तो लाइन पैरेलल टू दी मीन स्फीयरोइडल सरफेस विल बी अ लेवल लाइन, राइट। अब कोई भी लाइन जो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये जो है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो कोई भी लाइन जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी उसे हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, है ना। और इस वर्टिकल लाइन पे राइट एंगल बनाने वाली लाइन जो होगी वो हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। अब जिस सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर कंसिडर किया जाता है उसे हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे, है ना। जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता उसे हम कहते हैं प्लेन सर्वे, ठीक है। अब प्लेन सर्वे जो होता है, प्लेन सर्वेचर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इग्नोर्ड, तो उसे हम प्लेन सर्वेइंग बोलेंगे। और यदि स्मॉल एरिया में हम कर रहे हैं, मतलब स्मॉल एरिया में जो सर्वेइंग की जाएगी, मतलब कि यहाँ पर मैंने बताया कि 260 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम पे यदि आप सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लेन सर्वेइंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जियोडेटिक सर्वे जो होती है उसे हम हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जब रिक्वायर होती है तब करते हैं, और प्लेन सर्वेइंग कब करते हैं, जब लेसर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू कैरी आउट रिकॉग्निशंस ऑफ द एरिया, ठीक है। रिकॉग्निशंस के लिए कौन सी सर्वेइंग यूज़ की जाती है, तो लेवलिंग यूज़ की जाती है, चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग एंड सिंपल लेवलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग हम तब करते हैं जबकि आपका जो वर्क स्टेशन है वो बेंचमार्क से काफ़ी दूर हो, है ना। तो फ्लाई लेवलिंग इज कंडक्टेड व्हेन द बेंचमार्क इज़ वेरी फार फ्रॉम द वर्क स्टेशन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रॉक्सिमेट लेवल। जबकि रिकॉग्निशंस सर्वे क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड टू गैदर द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेरेन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टेरेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम रिकॉग्निशंस सर्वे करते हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशंस के लिए हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। इन अ क्लोज ट्रैवर्स ब्लैंक द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग शुड बी 90 डिग्री। ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। द सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n-4 टाइम्स राइट एंगल वेयर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि आपको पता है कि सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो भी 180 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप ट्राइंगल से आप उसको फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। एन इक्वल टू 3 रखिए, आपको 180 मिलेगा, तो ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन। द हॉरिजॉन्टल एंगल जो होगा वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में होता है ना। ट्रू मेरिडियन से जब मैग्नेटिक मेरिडियन हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप फिगर में देख सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए ये आपका ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो है आपका
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये जो डिक्लिनेशन हो रहा है ये ईस्टवर्ड्स हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका ईस्ट है क्लॉकवाइज में, ये ईस्ट है। जब यदि मैग्नेटिक नॉर्थ आपका ईस्ट की तरफ आता है, ईस्ट की तरफ आता है, तो उसे हम पॉजिटिव पॉजिटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। और यदि यही जो है वो वेस्ट की तरफ जाता, इस तरफ वेस्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यदि वो वेस्ट की तरफ जाता तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता वो कहलाता नेगेटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप, डिप मैग्नेटिक डिप, ये जो वर्टिकल एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप। तो डिक्लिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, और डिप, डिप जो है वो वर्टिकल एंगल जो है मैग्नेटिक एक्सिस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल हैविंग अ पोरोसिटी 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट 25% विल बी। वॉइड रेशियो आपको निकालना है, तो सिंपल सा रिलेशन है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में, कि वॉइड रेशियो ई इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, वेयर एन इज पोरोसिटी। आपको एन की वैल्यू दी है 0.32, आपको ई की वैल्यू निकालनी है, तो 0.47 आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन टू सही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज़ इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सैंड इज। ऑप्शन ये है ना, तो आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हैज़न परमिबिलिटी कोएफिशिएंट, परमिबिलिटी कोएफिशिएंट के लिए हैज़न ने एक फॉर्मूला दिया है कि 100 100 और d10 का स्क्वायर है ना, तो आपको d10 की वैल्यू दी है, d10 जो इफेक्टिव ग्रेन साइज़ है, इफेक्टिव ग्रेन साइज़ को d10 बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लिए एक और अलग से क्वेश्चन हो गया कि इफेक्टिव ग्रेन साइज़, इफेक्टिव ग्रेन साइज़ आपको पूछ लेगा कि क्या होता है d10 d60 d30 और d50, तो d10 जो है, d10 को हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेन साइज़, राइट। तो 100 100 d10 का स्क्वायर, तो इफेक्टिव ग्रेन साइज़ आपको पता है कि इस क्वेश्चन में दिया कहता है 0.05 सेंटीमीटर, आपने इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको 5 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ। एक तो इफेक्टिव ग्रेन साइज़ किसको कहते हैं, d10 को कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यूनिफॉर्मिटी क्वेश्चन क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी क्वेश्चन होता है d60 बाई d10 होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है d30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d60 इंटू d10। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं, कभी कभी सीधे फॉर्मूले पूछ लिया जाता है, कभी कभी वैल्यू दे देगा d60 d10 और d30 की, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ लेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, ग्रेन साइज अफेक्ट करेगा, शेप ऑफ द फूटिंग, शेप ऑफ द फूटिंग भी अफेक्ट करेगा, है ना, साइज ऑफ फूटिंग ये भी अफेक्ट करेगा। तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है उसके लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है वो 10 पे ज़्यादा होता है। इसके लिए मैंने हिंट दिया है कि फॉर अ वेल ग्रेडेड, ओ इधर कुछ मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे वेल ग्रेडेड के जगह आप इसे सॉइल पढ़िए, ये जो है, ठीक है, दोनों ही जगह गलत है। फॉर सॉइल टू बी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, है ना, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी शुड बी मोर देन 4, एंड फॉर सॉइल टू बी वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू शुड बी, ग्रेवल के लिए सी यू मोर देन 4 होना चाहिए, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू जो है मोर देन 6 होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू 10 है, मतलब दोनों में, दोनों के लिए ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा, है ना। और यदि वो पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म ग्रेडेड होता तो सी यू इज़ नियरली 1, सी यू इज़ नियरली 1 फॉर वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। अब ये तो बात हो गई क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्वेश्चन ऑफ कर्वेचर की यदि बात करें, तो इनमें से कुछ भी, ये भी आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यदि इसकी जगह वो क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मिटी की जगह आपको क्वेश्चन ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे देता कि फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल द क्वेश्चन ऑफ कर्वेचर इज, तो क्वेश्चन ऑफ कर्वेचर की रेंज वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो होती है वो होती है 1 to 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, एन ऑड शेप बॉडी
weighing 0.7.5 kg and occupying 0.01 cubic meter volume will completely submerged in a fluid having specific gravity of, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, ठीक है, बॉडी का वेट दिया है, बॉडी का वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी फ्लूड में फ्लोट कर रहा है, ये तो है, फ्लोट करता है, तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी जो फ्लूड है उसकी डेंसिटी से कम है। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूड की डेंसिटी से कम होती है तो वो उस पर फ्लोट करता है, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूड की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पर सिंक कर जाता है, ठीक है। और यदि इस पर कम्प्लीटली समझ रहे मतलब कि दोनों की डेंसिटी, मतलब कि फ्लूड और ऑब्जेक्ट दोनों की डेंसिटी जो है वो कम्प्लीटली समझ केस के लिए बराबर होगी, तो इसी सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बॉडी इज़ कम्प्लीटली समर्ज्ड, इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड, है ना। अब डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ फ्लूड कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूड निकालने के लिए मैंने यूज़ करा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड और डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ये मास ऑफ द बॉडी रख दिया हमने 7.5 kg, वॉल्यूम रख दिया उसका 0.01, एंड ये जो 1000 है ये इधर आ गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, जो कि ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।